Hello everyone, I am Ram Krishna from DIA. Today we are going to carry forward our topic of subject verb agreement which we have already discussed in the last class. तो आज हम लोग subject verb agreement के कुछ और rules discuss करेंगे. Last class में हम लोगों ने चार पांच rules discuss किया था और कैसे हम लोगों ने जाना था कि कुछ rules को follow करना और उसको ध्यान में रखना जिससे कि आगे जो वर्ब आता है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो राइट नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स विच आर अ मस्ट सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो अभी फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं. देर आर सम वर्ड्स लाइक as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ऐसे सब बहुत सारे words होते हैं और ये words जो हैं जब भी किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन होते हैं तो वर्ब जो है वो एग्री करता है सिंगुलर सब्जेक्ट से. दैट मीन्स द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर. अब यहां पे एक बार हम फिर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb, जो कि verb है, verb will agree with the singular subject which comes first. इसमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में ध्यान देने की बात है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे कि ज्वाइंट होगा ये सारे वर्ड्स जो कि अभी मैंने कहा, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में आ जाए. वंस अगेन स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू अगेन रिपीट द वर्ड्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. वर्ड्स ज्वाइंट टू सिंगुलर सब्जेक्ट बाई एज वेल एज विथ अलॉन्ग विथ together with and not in addition to but besides except rather than accompanied by like unlike no less than nothing but. ये सारे words जो हैं अगर singular subject से joined होते हैं तो जो verb आता है sentence में the verb is going to agree with the singular subject which comes first. And most important of all, when we are going to discuss the example, we will see that the singular subject is always going to come at the first. At the start of the sentence, at the beginning of the sentence, you can say, जब हम लोग sentence शुरू करेंगे तब singular subject आता है. अब हम यहाँ देखते हैं राम, राम is a singular subject. ये sentence start हो रहा है. अभी मैंने आपको कहा था कि राम as well as, हम लोगों ने पहले discuss किया था words joined to a singular subject by as well as. तो यहाँ पे as well as का example आ गया है हमारा. राम as well as his parents. राम यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. एस जो मैंने यहाँ लिखा है एस इज डिनोटिंग सिंगुलर सब्जेक्ट. एस एस इज सिंगुलर सब्जेक्ट. इज एस वेल एस से ज्वाइन किया गया है. हिज पेरेंट्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट ओवर हियर. तो हमने रूल में क्या पढ़ा था, ये रूल ये बताता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एस वेल एस से ज्वाइंट हो विथ अदर सब्जेक्ट जो कि प्लूरल हो या उसका कोई भी नंबर या पर्सन हो, दैट डजेंट मैटर, द वर्ब विल ऑलवेज अग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विच कम्स फर्स्ट. तो इस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट इज राम एंड इट इज कमिंग फर्स्ट. सो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग यहाँ पे है. राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग यहाँ पे मैंशन नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग. इफ यू राइट आर ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज as per the rule the verb has to agree with the singular subject coming first, that is coming at the beginning of the sentence. Sub sentence shuru hote hain aise sentence jab bhi shuru honge to aise sentence mein singular subject pehle hota hai.
उसके बाद जो वर्ड ज्वाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे एस वेल एस है, उसके बाद सब्जेक्ट का फॉर्म इन द सेंस कि सब्जेक्ट या तो प्लूरल होगा या सब्जेक्ट का पर्सन अलग होगा, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या कुछ भी हो सकता है। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग नहीं होके राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ये करेक्ट है। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, क्योंकि वर्ब विल हैव टू एग्री विथ द सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज राम। चूंकि राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, सो वर्ब इज सिंगुलर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हमारा जो ये कंसेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इस ये जो टॉपिक है इसमें इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और भी एक दो, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमेशा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, द सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड इट, और ये जो बाकी का जो वर्ड है, जैसे कि एज वेल एज था फर्स्ट एग्जाम्पल में, दूसरा वर्ड है विथ। ये जो वर्ड विथ होता है ये ब्रिज का काम करता है। दिस वर्ड विल ज्वाइन दिस द चीफ इज दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस विल ज्वाइन द सिंगुलर सब्जेक्ट विथ अदर सब्जेक्ट जो कि या तो प्लूरल होगा या तो उसका पर्सन अलग होगा, जो कि अगले एग्जाम्पल में क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, द चीफ विथ ऑल हिज मेन, द चीफ इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल हिज मेन यहाँ जो है मेन है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। नाउ द चीफ विथ विथ से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो होगा द चीफ विथ ऑल हिज मेन वॉज मैसेकर्ड, बिकॉज वी विल सी द चीफ इज सिंगुलर सब्जेक्ट ओवर हियर, वर्ब हैज टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पे इसलिए वॉस होगा। यहाँ पे अगर हम वेयर लिखते हैं, वर लिखते हैं, द चीफ विथ ऑल हिज मेन वर मैसेकर्ड, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इनकरेक्ट, दिस विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स, जीरो नंबर आएगा अगर आप ऐसे अगर वर लिखते हैं। वर नहीं लिख के वॉस लिखना है, क्योंकि वर्ब हैज टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंड नोट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एंड नोट वर्ड से सिंगुलर सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जा रहा है। रामा एंड नोट यू, मैंने बार बार कह रहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, जो कि वैरी करेगा फॉर्म में, और सब्जेक्ट का फॉर्म वैरी होता है, दो ही तरीके से वैरी हो सकता है, या तो इन टर्म्स ऑफ द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या उसके नंबर्स सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे है रामा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यू इज ऑल्सो ए सिंगुलर सब्जेक्ट, रामा इज सिंगुलर, यू इज सिंगुलर, बट स्टिल यू का जो पर्सन है, जो पर्सनल प्रोनाउन हम बोलते हैं, यू इज ए सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पे यू का जो पर्सन, दिस इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर है, रामा इज जस्ट अ नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन इसका पर्सन अलग है। यू के साथ कभी भी हैस नहीं लगता है, यू के साथ हमेशा हैव लगता है। तो रामा एंड नोट यू हैस वोन द प्राइज, रामा एंड नोट यू हैज वोन द प्राइज। आई विल राइट इट डाउन सो दैट इट विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रामा एंड नोट यू हैज वोन द price. If you look into this sentence, we will see that Rama is a singular subject, you is also a singular subject, and they are joined by the word and not, as per the rule that we had discussed in the
लास्ट सेक्शन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, एज वेल एज है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, नथिंग बट है, उसी तरीके से एंड नॉट भी एक वर्ड है. रामा एंड नॉट यू, यू वर्ड जो है यहाँ पे, यू इज द वर्ड विच इज ऑल सिंगुलर इन फॉर्म, बट अगेन यू का जो है दिस इज डिफरेंट पर्सन. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंडली यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है. रामा एंड नॉट यू हैज, और यू जो होता है सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में होता है और सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म में भी यू का ही इस्तेमाल किया जाता है. इफ दिस इज समथिंग विच वी विल डिस्कस वेन वी विल थॉरली डिस्कस प्रोनाउन ओवर हियर. सो लेट्स कीप इट टिल देन. नाउ टू वी विल फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक. रामा एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज. तो यहाँ पे है सिंगल, रामा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन रामा के साथ कभी भी रामा हैस लगता ही, यू के साथ यू, इवन दो यू इज सिंगुलर और यू इज प्लूरल डजंट मैटर, यू के साथ हमेशा हैव लगता है, यू के साथ हैस लगता नहीं है. तो रामा एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज, इट विल साउंड इनकरेक्ट टू यू इनिशियली, बट दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट. ये इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पे जो वर्ब है विच इज हैस, वर्ब इज अग्रीइंग विद द सिंगुलर सब्जेक्ट रामा विच कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं. हमेशा वो सिंगुलर सब्जेक्ट जो सेंटेंस के प्रथम में आए, द सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस विच इज रामा ओवर हियर, द वर्ब हैज टू एग्री विथ रामा. सो हियर रामा एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज. रामा के साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, यू के साथ कभी हैज नहीं लगता है, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो रामा एंड नॉट यू हैज वॉन द प्राइज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं, रामा एंड नॉट यू ब्लैंक दे देंगे, वो हैज हैव दे देंगे. रामा एंड नॉट यू, तो हम क्या सोचेंगे, रामा एक पर्सन, यू एक और आदमी, दो लोग हैं, सो वर्ब विल हैव टू बी प्लूरल. तो रामा एंड नॉट यू हैव वन द प्राइज हम लिख सकते हैं. रामा एंड नॉट यू हैव वन द प्राइज, इफ यू आर गोइंग टू राइट देन दिस विल बी रॉन्ग. इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि रामा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर रूल पे हम ध्यान दें तो रूल कहता है कि वर्ब हैज टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विच कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पे रामा है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट इज कमिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और इसके साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, रामा के साथ हमेशा हैस लगेगा. Rama and not you has won the prize. This will be correct. So now we will discuss the next rule. ताकि इस टॉपिक में और भी ज़्यादा क्लैरिटी आए. Next example है, my father, unlike my uncles, is very strict. First let me write it this down. My father, unlike my uncles, is very strict. My father, unlike my uncles, is very strict. Now,
इस एग्जाम्पल दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द डे. सो नाउ माई फादर, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, अनलाइक इज द ज्वाइनिंग वर्ड ओवर हियर. एज पर द रूल हमने रूल में देखा था बहुत सारे वर्ड्स हैं, एज वेल एज है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, उसमें एक अनलाइक भी वर्ड है. माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, नंबर चेंज है दोनों सब्जेक्ट का. माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई अंकल्स प्लूरल सब्जेक्ट है. अब क्या है, जो वर्ब होगा इट हैज टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज माई फादर ओवर हियर एंड इट हैज टू एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विच इज माई फादर ओवर हियर एंड इट हैज टू बी इज. माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, यहां पर आर नहीं होगा. माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट होगा, यहां पर आर या और भी कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के जब भी वर्ड्स होते हैं ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट से ज्वाइन होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज पोजिशनड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में ही होता है. जैसे यहाँ पे माई फादर है, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट इज वर्ब, यहाँ पे ये सिंगुलर होगा. तो एक बार फिर से हम इस रूल के बारे में एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ड्स ज्वाइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट विच कम्स एट द बिगिनिंग और लेट्स से स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, द वर्ब विल ऑलवेज एग्री विद द सिंगुलर सब्जेक्ट विच कम्स फर्स्ट. लेट्स से वर्ड्स ज्वाइन टू सिंगुलर सब्जेक्ट बाय एज वेल एज विथ along with, together with, and not, in addition to, but, besides, unlike, nothing but, no less than, etc. इस तरह के बहुत सारे words. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये singular subject जो है ये join होता है दूसरे subject से, जिस जो कि या तो वो plural in form हो या तो it the subject differs in person. So in both the cases what will happen, the verb always agrees with the singular subject which comes at the beginning of the sentence. और जो singular subject है उसका जो form होगा, अगर वो singular होता है तो इसलिए verb is also always going to be singular. So this is it for the day. See you in the next session. Thank you very much.